हेलो गाइस। तो माझा बिग बेस्ट T20 जो लीग है, इस लीग के 19 नंबर की मैच जो होने वाला है, और ये जो मैच है, इस मैच में टक्कर होने वाला है हॉबर्ट हिवकेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर। तो ये जो मैच होगी, तो इस मैच में एनालिसिस करेंगे। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ यार गंदी कमेंट्स मत करो। तो अगर अच्छी लगता है तो मेरे साथ रहो। और क्या बताओ कि कुछ भाई लोग की लॉस हुआ है मेरी वजह से, तो उसके लिए सॉरी। तो होता है, तो देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। तो यह जो मैच है, 19 नंबर की जो मैच चल रही है, वो हॉबर्ट हिवकेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर की आपस में टकराने वाला है। तो यह जो मैच है, ये मैच तो बहुत ही एक जमदार मैच होगी, क्योंकि यह जो मैच है, ये मैच में शायद कुछ इधर उधर हो सकती है। तो मुझे जैसा इन्फॉर्मेशन आया है, या फिर मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आया है कि इस मैच में इधर उधर हो सकती है। तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सावधान रहिए इस मैच में, और इस मैच में आप लोग बहुत ही सावधान रहिए। तो यह तो मेरी आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन थी। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तो हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स जो है, ये तो अपनी विनिंग टीम ही लेकिन अमेगी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है मज़े इस बिग बैश लीग में, क्योंकि ये जो हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स है, चार मैच खेला है, चार में से चारों मैच ही जीता है। पॉइंट टेबल सबसे ऊपर है ये हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स। और सिडनी सिक्सर जो है, वो जी 5 मैच खेला है, 3 मैच जीता है, वो है सेकेंड पर। सिडनी सिक्सर जो टीम है वो सेकेंड पर है। तो ये भी टीम बहुत ही एक अच्छी टीम है। तो सेकेंड वर्सेस फर्स्ट की जो लड़ाई होगी इस मैच में, तो बहुत ही टक्कर का मैच होगा। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तो ये जो सिडनी सिक्सर है, ये भी अपनी विनिंग टीम लेके नामेगी। ये जो पिछले मैच में अपनी टीम को विन किया था, उसी के साथ खेलेगी ये सिडनी सिक्सर टीम। तो देखते हैं, सिडनी सिक्सर के जो एक प्लेयर है वो नहीं खेला था पिछले मैच में, जैकी ड्यूअर्स, तो शायद इस मैच में खेल सकती है। तो मुझे जो लग रही है कि ये जो सिडनी सिक्सर है वो विनिंग टीम ही लेके नामेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो सिडनी सिक्सर है, सिडनी सिक्सर के पास है जो डेनली है, जैकी डिवर्स है, वो तो नहीं खेलेगी। माइचो हेनरी क्विस है, जॉस फिलिप्स है, टॉम करन है, शैन एबॉट है, और स्टीवन कॉफी जैसा बॉलर है। ये जो स्टीवन कैफी बॉलर है, बहुत ही अच्छी स्पिन करती है और बहुत ही एक खतरनाक बॉलर है। स्टीवन कॉफी राशिद खान जैसा है, बैटिंग भी थोड़ी सी अच्छी करती है। टॉम कॉपर भी एक अच्छी बॉलर है। तो देखते हैं क्या होता है सिडनी सिक्सर के प्लेयर में। तो ये जो हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स है, हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स तो बहुत ही अच्छी टीम है, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक की प्लेयर है इस हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स के पास, जैसे कि डार्ची शॉट। पेन तो नहीं खेलेगी इस मैच में भी, माइल्स भी नहीं खेलेगी, बेन मैकब्रोमन है, जेम्स फुल कॉर्नर है, जॉर्ज बिल है, जोफ्रा आर्चर जैसा खतरनाक बॉलर है, डेथ ओवर में बॉल करती है। जोफ्रा आर्चर बहुत ही अच्छे बॉलर है। तो ये जो हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स की टीम है, बैटिंग का हो या फिर बॉलिंग का हो, दोनों को ही इस टीमों पर बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलर बैट्समैन दोनों ही है इस हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स के पास। डार्ची शॉट तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, मैकब्रोमन भी अच्छी फॉर्म में है। तो ये जो हॉबर्ट की जो टीम है, मैथ्यू शॉट जो है, ये भी फॉर्म में है। तो बहुत ही अच्छी टीम है ये हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स। तो ये जो जोफ्रा आर्चर और जेम्स फुलकर्नर है, बहुत ही अच्छे बॉलर है। और थ्री डाउन या फिर फोर्थ में जो बैटिंग करता है जॉर्ज बेली, ये भी एक अच्छी बैट्समैन है। तो ये जॉर्ज बेली जो है, वो 5 बॉलों पर 20 रन या फिर 16 रन लगे, तो ये जॉर्ज बेली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हिटर बैट्समैन है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि डोमेस्टिक वनडे कप जो हुआ था, उसमें कैसा खेला था ये जॉर्ज बेली। बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही फेवरेट प्लेयर हुआ था ये जॉर्ज बेली, जो डोमेस्टिक वनडे कप हुआ था। तो देखते हैं 19 नंबर मैच में क्या होता है ये हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर की। तो ये जो मैच होगा, ये मैच होगा हॉबर्ट की होम ग्राउंड पर। तो हॉबर्ट की जो पिच है, स्टेडियम है, इस पिच की अगर एवरेज स्कोर की बात किया जाए, तो इस पिच में एवरेज स्कोर हो सकती है 170 से 180, क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है और बहुत ज़्यादा रन बनती है, पिच अच्छी होती है। जो आउटफील्ड होता है वो बहुत ही एक अच्छी होता है। तो ये जो सेकेंड इनिंग्स के एवरेज स्कोर है, सेकेंड इनिंग्स के एवरेज स्कोर हो सकती है 155 से 160, क्योंकि इस पिच में हाईएस्ट चेज हुआ है 217, लेकिन हाईएस्ट जो चेज है बहुत ही कम है, वो है 161, यानी कि 161 इस पिच की हाईएस्ट चेज है। तो आप लोगों को समझ चुका है कि इस पिच में तो रन फर्स्ट बैटिंग में बनता है, लेकिन सेकेंड बैटिंग में उतना ही कम रन होता है। तो ये जो
मैच है हॉबर्ट हिगिन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर के, बस की जो लड़ाई होगी तो ये जो मैच है बहुत ही अच्छी मैच होगा, क्योंकि फर्स्ट वर्सेस सेकेंड की लड़ाई होगी ये जो बिग बैश है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जो सिडनी सिक्सर पहले हारा था उतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था। मैंने जैसा बोला था कि किसी भी लीग पर आप लोग अगर देखोगे कि उस टीम पर उतना अच्छा ज़्यादा की प्लेयर नहीं है, उतना अच्छा फेवरेट प्लेयर नहीं है, लेकिन उस टीम पर ही सभी तो उस टीम की एगेनिस्ट जाता है और वही टीम जीतता है ज़्यादातर, और वो टीम अच्छा भी खेलता है क्योंकि कोई भी उतना स्टक की प्लेयर नहीं होता है, तो सभी प्लेयर अपने जो दिल से खेलता है। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है हॉबर्ट हर्रिकेन्स के साथ। तो ये जो हॉबर्ट हर्रिकेन्स है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है, मैंने पहले ही बोला बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी है और टर्जी शॉट भी अच्छी बॉलिंग करने लगा है। तो ये जो टर्जी शॉट है बहुत ही एक गर्म प्लेयर हुआ था पहले में, लेकिन अब जो वो खेल रही है बहुत ही ठंडी दिमाग से खेलता है टर्जी शॉट ने। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तो पिच रिपोर्ट जो दो टीमों की प्लेयर है वो भी मैंने बता दिया। तो ये जो मैच है हॉबर्ट हर्रिकेन्स और सिडनी सिक्सर की बीच में जो मैच होने वाला है, तो इस मैच में मैं जाना पसंद करूंगा। मैंने पहले ही बोला कि ये मैच थोड़ा इधर उधर हो सकती है, फिर भी मैं इस मैच में टीम की जो प्लेयर है वो सब कुछ देखते हुए मुझे जो लग रही है कि इस मैच में भी हॉबर्ट हर्रिकेन्स फिर से एक बार विन हो सकती है, क्योंकि हॉबर्ट हर्रिकेन्स के पास बहुत ही अच्छे अच्छे की प्लेयर है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। तो फिर भी मैंने बोला इधर उधर हो सकती है, तो आप लोग ध्यान रहना, सावधान रहना, मेरी बातों पर ही मत जाना, आपके दिमाग को लगा लेना, आपके दिल जो कहते हैं वही करना। तो यही है इस मैच की प्रेडिक्शन, वो है हॉबर्ट हर्रिकेन्स विन ऑफ दिस मैच। तो देखते हैं क्या होता है हार जीत। तो ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन होता है आप लोगों की हेल्प के लिए होता है, तो अगर आप लोगों की हेल्प होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई की आपकी दोस्त की नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलना दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।